में देख सकते हैं कि हम पावर लैंडर मॉड्यूल फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। देश के लिए गर्व करने वाला पल है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है, भारत के कदम चांद पर पड़ चुके हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन भाकर का क्या कहना है? बहुत बढ़िया लैंडिंग हुई है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी भी लाइव है अभी एनआई से, और उसके बाद आगे का प्रोग्राम बताएंगे वो आगे। इसके बाद जोश पूरा हाई है, क्योंकि भारत माता की जय, वंदे मातरम, चांद पर जो है हिंदुस्तान पहुंच चुका है। जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिस तरीके से लगातार कोशिशें की जा रही थी कि सेफ लैंडिंग हो चुकी है, और ये सबसे ज्यादा क्रूशियल इसलिए थे क्योंकि साउथ पोल था, और साउथ पोल पर अगर लैंडिंग हो रही है जहां तक कोई नहीं पहुंचा वहां हिंदुस्तान पहुंचा। हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। सबसे खास बात देखिए, हम वो किए जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी, आगे करेगी, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया नहीं की। और जिस तरीके रशिया का गिर गया, हाँ रशिया गिर गया, कई लोगों ने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान की नई ताकत है, ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, और ये नया हिंदुस्तान है। आशीष जी पूरे दिन से हम भी लगे, आपने पूरा देश लगा हुआ। आप कैमरामैन के जरिए दिखाइए, इंडिया न्यूज के सारे नेटवर्कों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चांद की खबर चल रही है। चांद पे जिस तरीके से हमारे देश ने परचम लहराया है, इसकी मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। आज हम नहीं पूरे देशवासी को खुश है। जय माता की जय, वंदे मातरम। तो देखा आपने, सुना, और भी लोग जुड़ चुके हैं। भारती सर पवन जी, भारत माता की जय, बेहतरीन, अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारती बताइए। बिल्कुल बेहतरीन लैंडिंग की है हमने, और अभी रिपोर्टर पैच कर रहे हैं आपके लिए लाइव। ये देखिए मिठाई आ चुकी है, मिठाई आ गई, चॉकलेट आ चुकी है। देखिए चॉकलेट आ चुकी है। भारत माता की जय। एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, देखो ये दोनों लड़कियां हैं, ये दोनों लड़कियां कल से लगी पड़ी है बहुत बुरी तरीके से, किस तरीके से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हमारे चैनल पे लाया जाए, डिफेंस एक्सपर्ट को लाया जाए। बताइए क्या आपने इसके पीछे की क्या मेहनत की आपकी? जी तो हमने कई महीनों से ये हमारी मेहनत रही है कि हमने बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट, एम्बेसडर्स एंड बहुत सारे प्रोफेसर जो स्पेस एक्सपर्ट से रिलेटेड है, मैं और मेरी कलीग रितिका एंड हमारी पूरी टीम, हमने बहुत मेहनत करी हुई है। जैसे कि अलग ही मूवमेंट है, देयर आर नो वर्ड्स फॉर इट, सच अ गूज़बम्स मूवमेंट। मतलब इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सो हेड्स ऑफ टू इंडिया, एंड नाउ दिस इज व्हाट इट्स, इंडिया इज सेटिंग एन एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड। आरुषि भी आ गई है। आरुषि आप बताओ, आरुषि आपने जो बहुत सारे आपने सुपर बैंड स्टैंड वगैरह लिखे, बहुत मजा आया, और स्पेशली वो जो मूवमेंट था जैसे ही हमारे चंद्रयान ने वहां लैंड किया, वो एकदम गूज़बम्स वाला मूवमेंट था। मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ ये कवरेज। मैं हमेशा, कमला जी आपने बहुत परेशान किया, गेस्ट कौन से है, कौन से वैज्ञानिक है, कौन से डिफेंस एक्सपर्ट है, नाम चाहिए सब कुछ। अब तो आपको आपको दिल को तसल्ली हुई होगी, सेफ बिल्कुल लैंड हुए। बिल्कुल सेफ लैंडिंग, और सबसे बड़ी बात कि साउथ पोल पर जहां पर तक कोई देश नहीं पहुंचा वहां भारत पहुंचा, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। चंद्रयान 3 ने आज इतिहास रच दिया, भारत ने इतिहास रचा। साउथ पोल पर उतरना कितना मुश्किल था ये आशीष बताएंगे, किस तरह से आज भारत ने इतिहास रचा है। पहले बोला जाता कि चांद भी तेरे लिए तोड़ के ला दूंगा, अब कैसे तोड़ के लाएंगे, तो वो भी चांद ही हमारा हो गया है। वो टाइम भी याद है जब चांद पे पहली बार जब कोशिश कर रहे थे जाने की, तो वो पल भी बहुत भावुक करने वाला था, लेकिन आज का जो ये पल है ना, ये कभी हम जिंदगी में नहीं भूल सकते, और हमेशा ये पल हमें याद रहेगा। अब क्या होगा, सवाल यह है कि अब क्या होगा। हम लोग उतर गए हैं लेकिन होगा क्या अब, क्योंकि अभी देखिए 4 घंटे जो है अभी धूल के होंगे, धूल वहां पे खूब गुबार होगा, उसके बाद में फिर जो है लैंडर से रोवर निकलेगा, वहां पर जाकर वो जो है कुछ जो है सैंपल्स है वो लेगा। और सबसे अहम बात जो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि तमाम चीजें जो है हमारे साथ में, जो हमने देखा है कि आने वाले वक्त के अंदर जितनी भी रिसर्च है उसमें बहुत मदद मिल पाएगी हमें। ये सचिन भाई आ रहे हैं। आप लगातार आपने इसको बिल्डअप किया था, आज कैसा महसूस कर रहे हैं?
मतलब सोचा नहीं था लास्ट के वो 20 सेकंड जो पिछली बार हमने देखा था वो धक-धक वो जो धक-धक वो अभी भी अंदर वो फील हो रही कि लग नहीं रहा, वो सोच करके यकीन नहीं हो रहा कि हम लैंड किए और इतनी स्मूथ लैंडिंग नासा के आपने तमाम मिशंस देखे होंगे, रशिया के तमाम मिशंस देखे होंगे, अभी रशिया का एक मिशन तो फेल भी हुआ है, क्रैश भी हुआ है, लेकिन इतनी स्मूथ लैंडिंग भारत ने करवाई है जिस बजट में हॉलीवुड एक पिक्चर बनाता है ना उसकी स्पेस की, हाँ, जिस बजट में हाँ, वो मून की एक फिल्म बनाता है, उससे कम में ये पूरा चंद्रयान 3 है और लैंड भी हो चुका है, लैंड हो चुका है। सबसे आयुष आओ, क्या कहना चाह रहे हो भाई? सर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि एक समय था जब कहा जाता था कि बीन बजाने वालों का देश है, आज उसी बीन बजाने वाले देश ने अपना एक रोवर जो है वो साउथ पोल पर उतार दिया और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि साउथ पोल अनएक्सप्लोर्ड है, वहां पर सूरज की किरणें कभी नहीं पड़ी है, तो वहां से कई ऐसी सारी चीजें जो है वो इसरो को मिलने वाली है जो शायद मानवता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहला ऐसा देश। अब सचिन भाई क्या होने वाला है? अब 2 घंटे जो है, अब यहाँ पर जो है रोवर, क्योंकि दिन वहां पर हो जाएगा, वहां दिन हो जाएगा तो यहाँ पर इसके पंख जिसे क्या कहते हैं सोलर पैनल है वो खुलेंगे, वहां से लाइट आएगी, वो चार्ज होंगे, चार्ज होने के बाद बिजली होगी सौर ऊर्जा के तहत, क्योंकि अपनी बिजली लेकर के नहीं गया है क्योंकि वहां पर सूर्य ऊपर आ जाएगा। फिर 2 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर आएगा, एक रोबोट नुमा 6 उसके पहिए हैं वो बाहर आएगा और उसके ऊपर अशोक स्तंभ है, सबसे पहले वो चांद की धरती पे भारत की राष्ट्रीय छाप छोड़ेगा, सबसे तिरंगावाज छोड़ेगा। हाँ, किस तरीके से याद है आपको शर्मा जी की तरीके से? बिल्कुल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शहबाज एक बार आइए, आप लगातार आप लगे हुए हैं 4-5-6 दिन से लगातार ग्राफिक्स बनवा रहे हैं, अब क्या होने वाला है? अब देखिएगा सबसे अहम बात जो आप बता रहे हैं कि होने क्या वाला है, अभी तो हमने सेफ लैंडिंग की है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, चंद्रयान 2 के अंदर हमारे साथ क्या हुआ था कि वो कनेक्शन कट गया था, अब क्योंकि सेफ लैंडिंग हो चुकी है और वो भी साउथ पोल पर हुई है, अब आगे ये होगा कि जब लैंडर उतरा है तो जाहिर सी बात है कि जब कोई इतनी हैवी चीज़ उतरेगी तो वहाँ पर धूल का गुब्बार उड़ेगा, 4 घंटे उसके अंदर क्लियर करने में लग जाएगी वो इस वक्त कहाँ है। अब जो लैंडर है, लैंडर के साथ रोवर भी गया है, रोवर बाहर निकल कर आएगा, बाहर निकलने के बाद वो उस जगह को तराशेगा कि कहाँ कहाँ से उसको कुछ सैंपल्स इकट्ठे करने हैं, सैंपल्स के साथ साथ वो इमेज भेजेगा इसरो से को, इसरो यहाँ पर इमेज जारी करेगा और पता चलेगा कि वहाँ पर सतह पर क्या है, और जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो आगे जब रिसर्च बढ़ेगी तो इसमें ये भी पता चल पाएगा कि वहाँ पर हम जो मौसम है उसकी तमाम जानकारियाँ हो गई, स्पेस से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हो गई, यानी कि अभी कहते हैं ना कि संसार तो के अंदर जो है हमें बहुत कुछ देखने को मिला था, लेकिन अब जो चंद्रमा है चंद्रमा के अंदर भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कितने गड्ढे हैं, कितने गड्ढे हैं, कहाँ पहाड़ है, पहाड़ है, गहराई है, भाई मिट्टी कैसी है, अभी तो कहते चांद सी महबूबा होगी है ना, अब यह है कि भारत जो है चांद पर पहुंच गया, वहां से लेकर कहते ना कि चांद के पार चलो, हम चांद के पार चले गए हैं, अब हिंदुस्तान एक पहला ऐसा देश बन गया है जो कि साउथ पोल पर उतर गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि अभी हमने देखा है कि रशिया ने किस तरीके से वहां पर जो है उसका जो एक मिशन फेल हो गया है, लेकिन ये हिंदुस्तान के जो वैज्ञानिक है उनकी ताकत है, हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे की ताकत है, ये हिंदुस्तान के लोगों की ताकत है, और यही विश्वास हमको बताता है कि हम 140 करोड़ भारतीय इस चंद्रयान मिशन 3 के साथ लगे हुए हैं और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी बहुत बेहतर होने वाला है। बिल्कुल लेंगे। गौरीशंकर जी, क्या चांद पर हम जमीन ले पाएंगे अब आगे आने वाले समय में? अब वक्त आ चुका है, ये सबसे मुफीद समय है कि हम चांद पर जमीन को खरीदें, बड़े बड़े प्लॉट बनाए, और चूंकि हिंद की विजय, हिंद का पताका सबसे पहले वहां फहराया तो सबसे बड़ा हक भी हम लोग का बनता है, दक्षिणी ध्रुव तो हम ही लोग का हो गया ना। बिल्कुल हम पहली बार वहां गए हैं, पहली बार गए तो हमारा हो गया, पूरा दक्षिणी ध्रुव पर हमारा कब्जा हो गया, अब अमेरिका चाहे रशिया हो चाहे है ना दूसरी जापान कोई भी कंट्री हो, अब दक्षिणी ध्रुव पर कम से कम उन लोगों का कोई दावा नहीं बनता है, तो जमीन खरीदने की बात नहीं है, वहां जमीन से बड़ी चीजें हम लोग हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल तो ये चांद अब हमारा है और अब जो जिस तरीके से सफल लैंडिंग हुई है उससे कितना जोश आपने न्यूज रूम में देखा, आपने वैज्ञानिकों को देखा, इसरो में देखा, कितना जोश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं इससे बड़ा तोहफा आज के दिन, आज 23 तारीख है और 2023 भी है, इससे बड़ा तोहफा आज के दिन के लिए क्या हो सकता है।